नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल ICT अकेडमी में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग का स्कॉलरशिप फाइनल अप्रूव डबल ए हो चुका है और आपको अगर पेमेंट अभी तक नहीं मिला तो वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं कॉलेज से बात किया था। बहुत सारा ऐसा कॉलेज में जिसका मतलब बाकी स्टूडेंट का पैसा, बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट का पैसा आ चुका था, लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट का पैसा नहीं आया था। तो कॉलेज वाले कल्याण ऑफिस में बात की कि ऐसा क्यों हो रहा, मेरा 50% बच्चा का स्कॉलरशिप आया और 50% का नहीं आया। तो उधर से DA मतलब आपका कल्याण ऑफिस से क्या रिप्लाई है, मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग क्या करेंगे ताकि आप लोग को डबल ए होने के बाद पेमेंट आप लोग को मिल जाए। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि आप लोग को पेमेंट नहीं मिले। तो मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊँगा कि आप लोग को अभी क्या करना होगा डबल ए होने के बाद भी अगर पैसा आप लोग को रिसीव नहीं हुआ तो। वीडियो के साथ बने रहिए और स्कॉलरशिप रिलेटेड ऑनलाइन रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि कोई भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग तक तुरंत पहुंच सके। ठीक है, और भी कोई परेशानी या दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को एक अपने तरफ से पहले लाइक कर दीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए बताऊँगा कि फाइनल अप्रूव आपका हो चुका है, लेकिन अगर आपका अभी तक पैसा नहीं आया तो आपको क्या करना होगा। तो सबको मालूम है कि NPCI वेबसाइट होता क्या, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इस वेबसाइट से अगर आपका आधार एक्टिव रहता है, इस वेबसाइट में अगर आपका आधार लिंक रहता है तो आपको स्कॉलरशिप का पेमेंट मिलता है, क्योंकि अभी आधार बेस पेमेंट किया है। ताकि बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट होता है क्या कि दो तीन बार स्कॉलरशिप मतलब दो जगह से तीन जगह से स्कॉलरशिप अप्लाई कर देते हैं, उसको रोकने के लिए आधार बेस पेमेंट अभी जारी किया है। NPCI वेबसाइट में आपका आधार कार्ड से मतलब एक ही जगह से स्कॉलरशिप ले सकते हैं, इसीलिए ये रूल लागू किया। तो NPCI वेबसाइट नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें अगर आपका आधार लिंक एक्टिव रहता, आधार लिंक होता तो ही आपको स्कॉलरशिप का पेमेंट मिलता। तो आप आधार लिंक कैसे करेंगे इस वीडियो में बताऊंगा, और आप अपना NPCI में आधार आपका एक्टिव है कि नहीं उसका वीडियो पिछले वीडियो में बताया हुआ आई बटन में और स्क्रीन का वीडियो का लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि आधार लिंक आपका है कि नहीं, आधार एक्टिव है कि नहीं NPCI में, उसका भी वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, तो उसका वीडियो आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में है कैसे आधार लिंक को चेक करेंगे। लेकिन इस वीडियो में बताऊंगे कि आधार लिंक आपको करना कैसे है, मतलब NPCI वेबसाइट में देखिए, ये वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा NPCI सर्वर का, इसमें आपका आधार कार्ड एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, अगर एक्टिव नहीं होता तो आपका डबल ए होने के बाद भी आपका पैसा ना आने का बराबर होता है, या फिर हो सकता है पेंडिंग ही रहता। ठीक है, मैंने पहले पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि NPCI सर्वर में आपका आधार लिंक कैसे चेक करना, उसका वीडियो बना चुका हूँ, देख सकते हैं आप लोग। और आप अभी एक्टिव करेंगे कैसे उस टॉपिक में बात करूँगा। ठीक है, तो मतलब NPCI सर्वर में आप अपना आधार को कैसे लिंक करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि NPCI वेबसाइट में आपका आधार लिंक होगा, आप जब बैंक जाएंगे, बैंक जाके अपना आधार को सबमिट करेंगे। ठीक है, बैंक में जो आधार लिंक करते हैं उनको बोलना होगा कि सर ऐसा बात है कि NPCI सर्वर में अगर एक्टिव नहीं रहता आधार तो स्कॉलरशिप नहीं आता, तो मेरा आधार कार्ड को आप NPCI सर्वर में एक्टिव कर दीजिए, NPCI मतलब आधार लिंक कर दीजिए। ठीक है, बहुत स्टूडेंट का ऐसा कमेंट आया आप ही लोग का कि आधार लिंक है, दो बार आधार लिंक कराया फिर भी पेंडिंग आया, फिर भी पैसा नहीं आया। ठीक है, आप ही लोग बोल रहे हैं, तो आप NPCI सर्वर में आपका आधार एक्टिव है कि नहीं वो आपको चेक करना। तो चेक करने के लिए आपका आधार में अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप घर बैठे चेक कर सकते हैं। आधार कार्ड यहाँ पर डालेंगे, OTP डालेंगे, वीडियो में बताए हुए आप देख सकते हैं। तो आपका आधार में अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपका एक ही उपाय, आप बैंक जाके ही आपको NPCI सर्वर में आपको अपना आधार को एक्टिव कराना होगा। ठीक है, जो बैंक में जो भी आपका आधार लिंक करते हैं उनको जाके बोलना होगा कि सर NPCI सर्वर में मेरा आधार को अगर आप एक्टिव करेंगे तो ही मेरा फाइनल अप्रूव में पेमेंट मिलेगा। जिनको भी फाइनल अप्रूव होने के बाद पैसा नहीं मिला है तो उन लोग को 1 वीक के अंदर फिर बोला गया कि आप NPCI सर्वर में आधार लिंक कर लीजिए। तो जिनका भी फाइनल अप्रूव हो चुका है और पेमेंट अभी तक नहीं रिसीव हुआ तो वो NPCI सर्वर में अपना आधार लिंक कर लेंगे, आधार को एक्टिव कर लेंगे तो ही उनका 1 वीक में पेमेंट रिसीव हो जाएगा। वही कैंडिडेट को बता रहा है जिनका मतलब बहुत सारा साथी लोग का, फ्रेंड्स का पेमेंट आ चुका है लेकिन किसी एक का अगर रुका हुआ तो उस कंडीशन में बता रहे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज पेमेंट होता है और पिछले मतलब दो दिन के अंदर, ठीक है, धनबाद डिस्ट्रिक्ट का पेमेंट आया था, मैं वीडियो बना चुका आप लोग देख सकते हो उसको भी। तो बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट धनबाद का भी है जिसको पेमेंट अभी तक नहीं मिला है,
मेरा ही दोस्त लोग में से पेमेंट नहीं मिला और फाइनल अप्रूव हो चुका, फिर भी पेमेंट रिसीव उसको नहीं हुआ, उसका पार्टनर को फ्रेंड का हो चुका। तो उन कैंडिडेट के लिए है कि आपको NPCI में अपना आधार को एक्टिव कर लेना पड़ेगा। कहाँ से होगा? आपको बैंक जाके ही एक्टिव होगा, ठीक है। और आपका आधार में अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप घर बैठे चेक कर सकते हैं कि आपका एक्टिव हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह वीडियो पाने